आए क्योंकि कश्मीर वॉज द सेंटर ऑफ नॉलेज. ये इन्फो वॉर नॉलेज का वॉर आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है. अगर ये झूठ होता तो 1300 में इस्लामिक टायरेंट्स कभी भी कश्मीर में इन्वेड नहीं करते. उन्होंने इसलिए इन्वेड किया क्योंकि उनको पता था कि कश्मीर वॉज द वर्ल्ड सेंटर ऑफ नॉलेज, और जिसका नॉलेज पे कब्जा वो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सकता था. लेकिन एक प्रॉब्लम था, अब जमीन पे कब्जा कर सकते हो लेकिन ऐसे इवॉल्व पंडितों की स्कॉलर्स के फ्री माइंड पे कैसे कब्जा करोगे? तो फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला. तलवारों और बंदूकों के जोर पर इन पंडितों को कन्वर्ट करने के लिए भेजे गए इन टायरेंट्स के सोल्जर्स, जो उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करने लगे, और जो नहीं मानता था उन्हें पैर के तले रौंद दिया जाता था. और ये लोग वो थे जो खुद परसिक्यूट होकर कश्मीर आए थे और कश्मीरियों ने इन्हें पनाह दी थी. What kind of rubbish is this? ये रबिश नहीं बल्कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है शमसुद्दीन मोहम्मद इराकी की बायोग्राफी तोहफतुल अहबाब में. जानते हो इराकी कौन था? इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो लेकिन इराकी के बारे में नहीं पता. कैसे पता होगा? किसी ने पढ़ा है? हम सब हिटलर के बारे में जरूर जानते हैं. इराकी हिटलर से कई हजार गुना ऊंचा एक इस्लामिक टायरेंट था जिसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ काफिरों के मंदिरों और बुतों को नष्ट करना, उनके ट्रेडिशन रिचुअल्स को नष्ट नाबूद कर देना, पंडितों के इनोवेशन को खत्म कर देना. मुझे अभी भी किसी ने बोला कमान डूड, नाजी हर रोज 1000 जूस को मारते, तो मैंने तो नहीं सुना कभी कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ हो. तो अब सुनो, इराकी और उसके पीएम मूसा रैना के कहने पर हर रोज 1500 से लेकर 2000 काफिरों को पकड़ कर लाया जाता, उनके जनेऊ काटे जाते, उनसे कलमा पढ़वाया जाता, उनका खतना यानी सर्कमसिशन कराया जाता और उनके मुंह में जबरदस्ती बीप डाला जाता. और ये काम करते थे उनके सैनिक जिन्हें हम सूफी और दरवेश के नाम से जानते. हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का इस्तेमाल किया और इराकी ने कहरान और जबरान का, यानी फोर्स एंड कंपल्शन. इसका डिस्क्रिप्शन किसने किया? खुद इराकी के बेटे ने. एंड इफ यू वांट द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट इट इज अवेलेबल इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अंडर एक्सटेंशन नंबर 551.